अब आपको उस प्रधानमंत्री का चैप्टर दिखाते हैं जिसने 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 30 लाख भारतीयों की मौत पर मुहर लगा दी थी। और ये वो चैप्टर है जो बीबीसी को भी बताएगा कि नरसंहार होता क्या है। जो लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से गुजरात दंगों का हिस्ट्री चैप्टर देखने के लिए बेचैन है और हंगामा कर रहे हैं, उन्हें आज हिस्ट्री का वो चैप्टर दिखाता हूं जिस चैप्टर में ब्रिटेन का वो प्रधानमंत्री है जो 30 लाख भारतीयों की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन वही ब्रिटिश मीडिया जिसे आज कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में क्रांतिकारी बता रहे हैं, वही ब्रिटिश मीडिया 30 लाख भारतीयों की जान लेने वाले प्रधानमंत्री को हीरो मानती है। बॉस, हीरो। जिस ब्रिटिश सरकार ने 200 साल तक भारत पर जबरदस्ती राज किया, लाखों भारतीयों को यातनाएं दी, जलियांवाला बाग कांड किया, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, भारत को लूट लूट कर अपने खजाने भरे उस ब्रिटेन के भारत विरोधी लोग आज भारत को नरसंहार पर प्रवचन देंगे। आज इन लोगों को बताता हूं कि असली नरसंहार होता क्या है। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, पूरे राज्य में अनाज की भारी कमी हो गई, लोग भूख से मर रहे थे, बच्चों ने अपनी माओं की गोद में दम तोड़ दिया। इस त्रासदी में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 30 लाख लोग मर गए। और इस घटना की, इस पूरी घटना के लिए एक आदमी जिम्मेदार माना जाता है और वो है ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक आदमी की वजह से 30 लाख भारतीय मर गए, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सब मर गए इस विंस्टन चर्चिल की वजह से। और ये उसी ब्रिटिश मीडिया का हीरो है, और वो ब्रिटिश मीडिया जो ऐसे आदमी को हीरो मानती है जिसके ऊपर 30 लाख लोगों की जान लेने का दाग लगा हो, वो हमें ज्ञान देगी कि भारत में नरसंहार क्या हो रहा है। भारत के खिलाफ विंस्टन चर्चिल की नफरत और गलत नीतियों की वजह से बंगाल में अनाज की कमी हो गई, लाखों लोग मर गए। आज इसके पीछे की सच्चाई आपको बताता हूं, आपको बताता हूं उस वक्त क्या हुआ। बीबीसी वाले भाई लोग देखें, विंस्टन चर्चिल 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था जिसकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ बढ़ चुका था और इसकी पूर्ति भारत से की जा रही थी। युद्ध की वजह से भारत के अनाज को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा था। चर्चिल सिर्फ उन लोगों तक राशन पहुंचाना चाहते थे जो युद्ध में शामिल थे या युद्ध की वजह से बुरे दौर में थे। भारत में अनाज की कमी और बंगाल में लोगों को मरने की खबर चर्चिल के पास पहुंची कि बंगाल में लोग मर रहे हैं भूख से। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध को लेकर विंस्टन चर्चिल एक वॉर कैबिनेट की बैठक कर रहे थे जिसमें बंगाल में अकाल से मर रहे लोगों को राहत भेजने का प्रस्ताव रखा गया। उस समय 5 लाख टन गेहूं की तत्काल जरूरत थी, लेकिन इस आदमी ने, विंस्टन चर्चिल ने, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया ये जानते हुए कि लोग भूख से मर रहे हैं। चर्चिल ने क्या कहा आप सुनेंगे। उस आदमी ने कहा कि इंडियंस वर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, यानी भारत के लोग खरगोश की तरह पैदा बच्चे पैदा कर रहे हैं। यानी इसकी समझ में यह था कि मरते हैं तो मर जाएं, ये तो इंडियंस तो बच्चे ऐसे ताबड़तोड़ पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं तो अच्छा ही है शायद। भारत की बढ़ती आबादी इस अकाल के लिए जिम्मेदार है, इसको लगता था। बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों ने भारत में मदद करने की पेशकश दी, लेकिन चर्चिल ने मना कर दिया। इसके पीछे तर्क क्या दिया कि जापान इस खजाने को लूट सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया था, इससे वहां से चावल की सप्लाई रुक गई। ब्रिटिश आर्मी ने चर्चिल के आदेश पर बंगाल में अपने लिए चावल की जमाखोरी कर ली। इन फैसलों की वजह से बंगाल में भीषण अकाल आया जिसमें सरकारी कागजों के हिसाब से 15 लाख लोग मारे गए जबकि यह आंकड़ा 30 से 45 लाख का था। बॉस, यह अकाल नहीं था, यह एक नरसंहार था। वो लोग बच सकते थे लेकिन इस विंस्टन चर्चिल ने अपने फैसले से मार दिया क्योंकि इनको लगता था कि भारतीय तो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते, मरते तो मर जाए। और वो ब्रिटिशर्स और वो बीबीसी हमको आकर ज्ञान देंगे कि नरसंहार क्या होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल के नरसंहार की चर्चा ब्रिटेन में नहीं होती क्योंकि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत गया और ब्रिटेन की मीडिया ने विंस्टन चर्चिल को हीरो बना दिया। 30 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार ब्रिटेन का हीरो, और यह सिलसिला आज भी जारी है। आपको बीबीसी की एक खबर का टाइटल दिखाता हूं जिस पर लिखा है
विंस्टन चर्चिल की नायक वाली छवि को भारतीय क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, यह बीबीसी छाप रहा है और यहां हमको ज्ञान दे रहा है कि भारत में नरसंहार क्या होता है। अरे पहले अपना हेडलाइन ठीक करो यार, मार दिया इस आदमी ने 30 लाख भारतीयों को और कह रहे हो ये क्यों हम इसको हीरो नहीं मान पाते। इसी बात को अंग्रेजी में लिखा है कि चर्चिल्स लेगेसी लीव्स इंडियंस क्वेश्चनिंग हिज हीरो स्टेटस। जिस चर्चिल ने भारत के 30 लाख लोगों की मौत का सीधे तौर पर उसको जिम्मेदार माना जाता है, वो ब्रिटेन के लिए आज भी नायक है। अरे चर्चिल तो वो व्यक्ति था जो भारतीयों से नफरत करता था, वो भारत की आजादी की पूरी तरह खिलाफ था। चर्चिल का मानना था कि भारत के लोग सत्ता नहीं संभाल सकते और आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटेन की सत्ता संभाल रहा है। चर्चिल जी जहां से बैठे वहां से देखिए, भारतीय मूल का व्यक्ति आपका देश चला रहा है और आप समझा रहे थे कि भारत से अपना देश नहीं चलेगा। चर्चिल अगर जिंदा होते तो शायद सदमे में ही मर जाते ये देखकर।